गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 की यूनिट 3 त्रिकोणमिति फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन ये रहा आपका, प्रूव डेट मतलब सिद्ध कीजिए कि साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स डॉट मतलब इंटू कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना था कॉस एक्स। आपको ये प्रूव करना है कि ए बराबर कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स। तो बहुत ही आसान है, अगर हम इसको माने ए, क्या माने ए, और इसको माने बी, मतलब एन प्लस वन को माने एन प्लस वन इंटू एक्स को माने ए और एन प्लस टू इंटू एक्स को माने बी। तो यहां पर भी इसको माना हमने ए, क्योंकि देखो ए और ए दोनों सेम दिख रहा है, और ए माना बी मतलब ए और ए। तो आपको देखो यहां पर दिख रहा है, अगर हम इसको ए भी मानते हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, होगा कि नहीं होगा। और जो ये हो जाएगा, ए आइडेंटिटी होती है, मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं यहां, चलो ये आइडेंटिटी होती है किसकी, कॉस ए माइनस बी की। क्लियर? तो हमने क्या किया, ये आइडेंटिटी लिख दी यहां पर, ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, याद रखो इस चीज को, ए लिख दी हमने। अब हमें क्या करना है, मतलब आपके लिए क्या दिया है, ए चीज दी है आपको, इस चीज को ए चीज लिख सकते हो आप, समझ में आया क्या बोला मैंने, आपको दिया क्या है, ए दिया है LHS में, ये क्या दिया LHS, LHS में आपको ए चीज गिवन है, तो आप इसके बराबर ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो हमारे ए का मान क्या है, n प्लस 1 इनटू x, तो हम ये लिख देंगे, हमारा सॉल्यूशन रहा है, ये आइडेंटिटी लगाओगे तो आपको ये चीज दी है, तो आप इस चीज को लिख सकते हो। RHS हम नहीं लेके चल रहे, हम LHS लेके चल रहे, तो LHS को हमने लिखा cos a माइनस b, ठीक है, LHS को लिखा हमने क्या, cos a, a की वैल्यू कितनी थी n, इसको बड़ा ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स ब्रैकेट बंद। अब इसको ओपन करते हैं अपन, ठीक है, हालांकि अपन इसको मतलब, हाँ चलो वो आंसर तो आ जाएगा वैसे भी, cos बड़ा ब्रैकेट ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा क्या एन एक्स प्लस एक्स, इसको ओपन करोगे तो n का मल्टीप्लाई तो एन एक्स माइनस 2x। क्लियर? तो एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो, माइनस 2x में से और प्लस x, ये दिख रहा है ना, माइनस 2x और x, तो क्या हो जाएगा माइनस x, क्योंकि 2x में से 1x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा। तो आपको क्या बचा यहाँ पर, आपका बचा हुआ cos माइनस x बचा है, और आपको पता है cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है मतलब प्लस का, तो x हो जाएगा। तो आपका प्रूफ हो चुका है, ये आ चुका आपका LHS, तो आपको RHS देखो ये दिया हुआ था पहले से, तो LHS इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप बच्चे देखते हैं n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इस प्रकार से, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है आगे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको केवल आइडेंटिटी बस याद हो, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आपको जो भी त्रिकोणमिति आपका यूनिट है वो आपको सरल लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन रहा। थैंक यू।